पंजाबानी चैनल देख रहे समूह दर्शकों का स्वागत है। खबर नूं देखण तो पहला जेकर तुसीं साडे चैनल नूं सबसक्राइब नहीं किया तो पहला साडे चैनल नूं सबसक्राइब करो ते नाल वाला बैल बटन जरूर दबाओ। केंद्र सरकार वालों किसानों ते थोपे जा रहे तीन खेती कानूनों विरुद्ध पिछले दो महीनों तो किसानों ने पंजाब के टोल प्लाजे अंडानी अंबानी के कारोबारी अदारे रेल मार्ग सड़की मार्ग मल्ले हुए हैं। करीब 12 दिनों तो पंजाब हरियाणा के किसानों वालों दिल्ली के वक् वक् बार्डर से धरने दे के दिल्ली में आने वाले सारे सड़की मार्ग बंद किए हुए हैं। इन तीन खेती कानूनों जिथे किसान काले कानून करार दे के इन्हों रद्द करने की मांग से बजिद हैं। दूजे पास केंद्र सरकार की भाजपा सरकार के मंत्री एस पी समेत प्रधानमंत्री इन कानूनों किसानों लिए फायदेमंद दस रहे हैं। इन्ह कानूनों से केंद्र सरकार और किसानों विचकार तीन बार मीटिंग हो चुकी हैं जिस से सरकार का रुख इन बिलों प्रति कुछ नरम होया है और वह इन कानूनों दिया एतराज योग मदा च सुधार करने तैयार हो गई सी पर किसान इन्हों मुढ़ तो ही रद्द करने की मंग से अड़े हुए हैं। ऐसे कड़ी तहत पंजवें राउंड की मीटिंग किसानों और सरकार विचाले 9 दिसंबर को होने वाली है पर इस तो भी कोई वधेरे उम्मीदा नहीं हैं। इसलिए आने वाले कुछ दिन पंजाब हरियाणा और केंद्र सरकार लिए अहम होंगे। अज 8 दिसंबर को भारत बंद के सद्दे ते किसानों ने पहला ही ऐलान कर दिया सी। इस बंद को अज समुचे पंजाब च हर वर्ग वालों भरवा हुंगारा दिता गया है। किसान जत्थेबंदियों वालों NH20 के टोल प्लाजे तो इलावा अनेक थावां ते सड़की मार्ग को रोक के सड़की आवाजाई को ठप रखा गया। मुलाजम जत्थेबंदियों दुकानदार मिस्त्री यूनियन समेत अनेक जत्थेबंदियों वालों किसानों इस भारत बंद का समर्थन देने किसानों का खेती बिलों विरुद्ध छेड़े अंदोलन होर मजबूत होया है। जरूरी वस्तु जिवें डेयरी हलवाई पेट्रोल पंप आदि अदारे भी किसानों के हकों से बंद रहे इतों तक कि केंद्र सरकार दीयां गैस एजेंसियों के दफ्तर मंडी बोर्ड फाजिलका के दफ्तर भी बंद रख के किसानों दीयां मंगां दा मुलाजमान वालों समर्थन किया गया। आओ दिखाते हैं तुहानूं पंजाब बाणी तो फाजिलका बंद दीयां तस्वीरां अते स्टेट हाईवे 20 ते किसानों वालों लाए गए धरनियां दे दृश्य। हाँ जी, मैं हरीश नड्डा भारतीय किसान यूनियन डकौंदा जिला प्रधान। असी जो किसान जथेबंदियों के जो सद्दा आया 8 तरीक का जिहड़ा भारत बंद है वो तहत असी टोल प्लाजा थे कलंदर से जो असी चक्का जाम किया वो तहत जो मोदी सरकार है जिहड़ी 3 काले कानून लैके आई है वो खिलाफ़ असी आपका जिहड़ा रोस प्रगट कर रहे हैं। सो दिल्ली दे विच भी किसान जिहड़े आ लखां की गिनती विच पहुँच गए हैं तो कुछ जिहड़े किसान है वो ट्रालियां दे राही ते आपदे व्हीकलों के राही दिल्ली नूं कूच कर रहे हैं। सो मोदी सरकार है जिहड़ी वो अजे भी जिहड़ी टस तो मस नहीं हो रही। मैं बेनती करदा मोदी सरकार नूं फिर भी जिहड़ा ये 3 काले कानून ने ये वापस लै लिया नहीं तो जिहड़ी है होर भी जिहड़े किसानों की गिनती 1 करोड़ां दे विच आ जाऊगी ये फिर जिहड़ा तैनूं ये सामना मुश्किल हो जाऊगा जी। मैं भजन लाल कंबोज किसान यूनियन डकौंदा लादूपा। तो साथियों पहला तो साढ़े बच्चे पहुंचे हो पत्रकार भाईचारे ने संबंधित हो तुहाडा धन्यवाद। और आज़ादी तो बाद बड़े दुख की गल है भी सानू सब तो कमज़ोर और माड़ी नीयत वाला जिहड़ा प्रधानमंत्री मिले क्यों कि जदों किसानों इस कानून की लोड़ ही नहीं लगभग 3-4-5 साल स्वामीनाथन की रिपोर्ट जिहड़ी है वह मनमोहन सिंह की स्टेजा से रुलती रही 6 साल का समा तुहानू हो गया है
लगभग चार साल उन्होंने फरोलिया है। जे तुसी स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करते तो असं समझते भी देश के भले की गल है। अज जी आए दुगड़ी की इन्होंने गल की है, मोदी जी सानू सीधा दसो भी वह कि स्टेट के असी दुगुनी जी साड़ी फसल की दुगुना पैसा मिलना है वो सानू एक जगह दसो असी अपने देश की फसल उत्थे जाके वेचिए। ना उधर की गल करते हैं ना उधर की गल करते हैं, वो अगले भी चोर सी उधर वड्डा चोर आ गया। जे तुसी ये रिपोर्ट लागू करनी सी तो किसान जथेबंदियों के नुमाइंदे मिल के और स्टेटा के एग्रीकल्चर मिनिस्टर मिल के और होर जे देश के बुद्धिजीवी उन्होंने मिल के और पार्लीमेंट के इनू पास करन तो पहले दी चर्चा होंगी, राज्यसभा चर्चा होंगी, जे कोई कमियां रह जांदियां ते वो जी स्टैंडिंग कमेटी है उन्होंने सौंपी जाती जो कमियां करके इनू असी पार्लीमेंट के पास कर दे तो अज देश के जेडे आ हालात पैदा नहीं होने से। अज हज़ार नहीं, अज लखा नहीं, अज करोड़ों की तादाद के तीन तीन चार चार लख जिहड़ा है किसान रोज़ जा रहा है, ये कहिंदे ने वापस आ रहे हैं। असी कहिंदे आ किसान रोज़ जा रहा है, अज इन्हां कोल गिणती नहीं हो पा रही। कल परसों मैनूं पता लग्या उत्तों दी इन्हां ने सर्वे कराया है और इन्हां दे सर्वे दे मुताबिक 24 लख किसान जिहड़े देश दे विचों आ गए। अज जिहड़ा रोजी की गल करदा है रोटी की गल करदा है उहनूं अप शब्द कहे जांदे है, कदे मुछ दा सवाल तो मुछ टूटते है तो आतंकवाद का सवाल। तो साथियों ये जिहड़ा किसान है ना ये आतंकवादी है ना ये कोई मुछ का सवाल है, साडा रोजी रोटी का सवाल है। और तुसी तुहानू लोड़ हुंदी है तो तुसी लोक सभा का बूहा जदों मर्जी खोल लो जां तुसी जुडिशियल का बूहा जदों मर्जी खोल लो, लेकिन अज देश नूं लोड़ पई है तो तुहाडी जिहड़ी पार्लीमेंट दे ताले लग गए, पार्लीमेंट का सैशन बुलाओ, ये तिने कानून रद्द करो और उस तो बाद जिहड़ा नवा शड्यूल तैयार करो। मैं इस गल नाल भी संबंध जिहड़ा राजी बेशक देश दे विच कोऑपरेट कराने होने चाहिए ने, पर इहदा मतलब यह नहीं भी तुहाडी बुआ दे पुत्तर नहीं हो दो जिन्हां नूं तुसीं कुछड़ चक्की फिरदे हो और उन्हां दोवां दी गल करदे हो, उन्हां नूं तुसीं अद्धा देश अगे वेच चुके हो और बाकी जिहड़ी है उह देश नूं होर वेचण जा रहे हो। इस वास्ते तुसीं इह तिन्ने कानून जिहड़े है इह मारू कानून है, इन्हां नूं वापस लाओ। धन्नवाद। की समझदे हो 9 तरीक दी जिहड़ी मीटिंग है किसानां नाल? देखो जी 9 तरीक दी जिहड़ी मीटिंग है सानूं इन्हां ते शक है क्योंकि इन्होंने आप मन्या है, मेरे को उस जिहड़ा खरड़ा मैं पढ़िया मैं तुहानू इह गल यकीन नाल कह सकदा बई 24 पन्नियां दा जिहड़ा खरड़ा है उहदे विच एक भी किसान दे पक्ष दे विच गल नहीं जांदी। जदों इन्होंने 15-16 कानून जिहड़े इन्होंने कहे है भी इन्हां नूं असीं विस्तार दे नाल तब्दील कर दिंदे हैं, तो जे 15-16 कानून एक खरड़े दे विच मारू है तो फिर बाकी कसून जिहड़े कानून जिहड़े किसान दे हक च किदां हो सकदे हैं। इस वास्ते जिहड़ा है ये गुमराह कर रहा है और इन्हू पार्लीमेंट का बूहा खोल के सैशन सद के और इन्हू दोबारा जोड़ा इस एक्ट में बेशक लागू करो। आए दुगुनी का जोड़ा मसला है, आए दुगुनी किमें होगी? तुसी जी DAP की सबसिडी वो तुसी रगड़ गए, यूरिया की सबसिडी रगड़ गए, होर तुसी जोड़ा 1000 करोड़ रुपया इधर दी उधर कर गए। और बड़े दुख की गल है 2018 के 37-38 हज़ार करोड़ रुपया जोड़ा सैस का पैसा से जोड़ा मजदूर की भलाई तो लगना सी, किसान की भलाई तो लगना सी, चाहे वह मजदूर की पढ़ाई का मसला से, उन्होंने दवाई का मसला से, उन्होंने रुजगार का मसला से, वो जोड़ा 37-38 हज़ार करोड़ रुपया तुम लैपटॉप खरीद गए, महंगी कारा खरीद गए। बड़े दुख ना कहना पै रहा है आ साढ़े भाईचारे पुलिस साढ़े संबंधित जो भाईचारे के लोग है ये साढ़े परिवारों चो है। अज किसान और जवान आमो सामने होया खड़ा है लेकिन वो लाठी जो चकते हैं तो उन्हों का जोड़ा उन्होंने रोन आ जाता है भी मैं लाठी कि इस्तेमाल कर रहा। इस वास्ते मोदी साहब ये ऐश के महिला चो निकलो, ये जोड़े 1000 करोड़ के जहाज चढ़े फिरते हो, लोगों का खून चूस चूस के तुम इन्ह जहाजा पर सट्टो और लोगों के सथा चाहो और लोगों की गल जोड़ा पार्लीमेंट के बड़े ढंग जोड़ा विस्तार करके बुद्धिजीवी गल करके अज कहें देश के किसान जोड़े इन्हों समझ घट है। एक मिनट इन्हों समझ घट है तो तुम 31-30 बंद जथेबंदियों जोड़ा समझा नहीं सके, जे तुसी समझा के तो यह शड्यूल नूं बदलिया जा सकता सी। इस वास्ते अज जिहड़ा देश का मोड़ है वह साडी समझ तो बाहर है, क्यों कि उत्थे अज भी जिहड़ा है इन्हां दी रिपोर्ट के मुताबिक 24-26 लख जिहड़ा किसान वह सारे देश का जिहड़ा उत्थे जुट चुका है। धन्यवाद। अज दे धरने दे विच इत्थे होर किहड़ियां-किहड़ियां जथेबंदियां दे नुमाइंदे साडी जी आल ट्रेड मिस्त्री मजदूर यूनियन, मैं जनरल सकत्तर 3 जिले नूं करदा, मैं प्रेस नूं बयान भी मेरा कल परसों आया है, बिजली दे कुछ कर्मचारी साथी है डकौदा दे है, उहदे नाल नाल साडे होर इलाके दे मानयोग पंच सरपंच नंबरदार साहिबान जिहड़े वख वख जगह तो आए है। तो साथीओ इत्थे साडा लादूका भी जिहड़ा पिछे एक धरना चल रहा है वो साडे होर जिहड़े जथेबंदी है उन्होंने लाया है, साडा इत्थे अड्डा पक्का सी। उत्थे किहड़ियां-किहड़ियां जथेबंदियां ने? उत्थे जी एक तां मतलब कम्युनिस्ट कुल हिंद किसान सभा वाले है, तो साडा जिहड़ा संबंधित असी डकौदा नाल संबंधित हैं,
ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਕੌਦਾ ਦੇ ਹੀ ਝੰਡੇ ਦੇ ਹੇਠ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਵਾ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਦਾ ਝੰਡਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਹੇਠੀ ਜੇ ਕੋ ਆਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਵੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਮਰ ਲੰਘਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਭੇਦਭਾਵ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੂਝ ਬੂਝ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਨ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਬਹੋ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣੇ ਰੱਖੋ, ਲੇਕਿਨ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਹਿਣਾ ਤਾਂ ਬਹੋ। ਧੰਨਵਾਦ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੀ ਜੋ ਕਾਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਟੱਪਣ ਦੇਣਾ, ਸਾਡੇ ਹੱਕਾਂ 'ਚ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਹੱਕਾਂ 'ਚ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਦਾ ਦੱਸ ਦੇਣ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੰਡੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਅਡਾਨੀ ਅਬਾਨੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦ ਸਕੇ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਖਰੀਦੋ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਡੀਕਰਨ ਬੋਰਡ ਹੈ, ਮੰਡੀਕਰਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ, ਹਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਤਾ, ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕੋ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਅਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ। ਦੂਜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹਨੇ ਬਣਾਤਾ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੰਨੀ ਕਣਕ ਇੰਨੀ ਝੋਨਾ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਇੰਨੀ ਕਪਾਹ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਤੀ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਰੱਖੋ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਾ ਸਾਡਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਥੱਲੇ ਲਗਾ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਤੀਜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਰੌਲਾ ਪੈਣ 'ਤੇ ਸਿਵਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ, ਸਿਵਲ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਆੜ੍ਹਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਸਾਨ ਕੇਸ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀਗਾ ਮੇਰਾ ਸਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਾਂ ਮੰਡੀਕਰਨ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਸਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਐਸ ਟੀ ਐਮ ਅਤੇ ਡੀ ਸੀ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਦੇਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਧ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ, ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਹੱਕ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ, ਅੰਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਭਰਾਓ, ਆਪਣੀ ਏਕਤਾ ਹੱਲਾ ਮਾਰਿਆ, ਹੱਲਾ ਮਾਰ ਕੇ ਥੱਕਣਾ ਚਾਹੀਓ। ਆਪਾਂ ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਬਹਿਣਾ ਪਵੇ, 1 ਸਾਲ ਬਹਿਣਾ ਪਵੇ, ਆਪਾਂ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ, ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲਈ ਲੜਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੜਨੀ ਪਵੇਗੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਮੋਦੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡੱਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ, ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਉੱਥੇ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਠੰਡ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਆਇਆ ਕਦੀ ਲਾਰਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਹ ਸ਼ੋਧ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਕਦੀ ਆਹ ਸ਼ੋਧ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਕਦੀ ਲਾਰਾ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਆਪਾਂ ਦਬਣਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਏਕਤਾ ਵਿਖਾਉਣੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ 5 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪਈ 50 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾਂਗੇ ਆਪਣਾ। ਹਰ ਘਰ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਵੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਹਰ ਘਰ 'ਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਾਵੇ, ਹਰ ਪਿੰਡਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਣ ਬੰਦੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਸਫਲ ਹੋਏਗੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਹੋ ਕਿ ਬੀਇੰਗ ਐਜ਼ ਏ ਫਾਰਮਰ ਆਏ ਹੋ? ਐਜ਼ ਏ ਕਿਸਾਨ, ਕਿਸਾਨ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ? ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਅਫਸਰ ਲੱਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਡੀ ਸੀ ਲੱਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸੰਤਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਲੜਦੇ ਪਏ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਆਪ ਛੱਡ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਕਚਹਿਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜੇ 9 ਤਰੀਕ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਨ ਤੇ, ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ? ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਵੀ 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜੇ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਬਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ। ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਇਹ ਲੰਬੀ ਚੱਲੇਗੀ, ਕੋਈ ਝੁਕਣਾ ਪਏਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪਏਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਏ ਨੇ, ਸ਼ੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਵਾਪਸ ਲੈਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਮੋਦੀ ਮੋਦੀ ਹਾਏ 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 ਹਾਏ, ਮੋਦੀ ਮੋਦੀ ਹਾਏ 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 ਹਾਏ, ਜੈ ਜਵਾਨ ਜੈ ਕਿਸਾਨ, ਜੈ ਜਵਾਨ ਜੈ ਕਿਸਾਨ, ਜੈ ਜਵਾਨ ਜੈ ਕਿਸਾਨ, ਜੈ ਜਵਾਨ ਜੈ ਕਿਸਾਨ।